पे जो दुकानें बनी हुई हैं उनसे उन्हीं में से एक सिलेंडर फटा हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया, क्या प्रिकॉशन लिए गए थे, इसकी तरफ इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें लगभग 7 से 8 गैस ब्लास्ट हो गए यहाँ पर। वो गैस सिलेंडर उसी दुकान में थे, उसी में ये ब्लास्ट हुआ। जब एक फट गया उसके साथ बाकी भी फट गए, मगर नुकसान यहाँ गरीबों का हुआ है जिन्हें सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, आज वो बेघर हो गए। इसे हुकूमत से मैं भी अपील करूँगा और लिखूंगा भी कि इनकी फौरन इमदाद की जाए और इन्वेस्टिगेशन किए जाए, इसको कैसे रोका जाए। जो दुकानें बनी हुई हैं उनसे उन्हीं में से एक सिलेंडर फटा हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया, क्या प्रिकॉशन लिए गए थे, इसकी तरफ इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें लगभग 7 से 8 गैस ब्लास्ट हो गए यहाँ पर। वो गैस सिलेंडर उसी दुकान में थे, उसी में ये ब्लास्ट हुआ। जब एक फट गया उसके साथ बाकी भी फट गए, मगर नुकसान यहाँ गरीबों का हुआ है जिन्हें सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, आज वो बेघर हो गए। इसे हुकूमत से मैं भी अपील करूँगा और लिखूंगा भी साहब कि इनकी फौरन इमदाद की जाए और इन्वेस्टिगेशन किए जाए, इसको कैसे रोका जाए। जो दुकानें बनी हुई हैं उनसे उन्हीं में से एक सिलेंडर फटा हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया, क्या प्रिकॉशन लिए गए थे, इसकी तरफ इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें लगभग 7 से 8 गैस ब्लास्ट हो गए यहाँ पर। वो गैस सिलेंडर उसी दुकान में थे, उसी में ये ब्लास्ट हुआ। जब एक फट गया उसके साथ बाकी भी फट गए, मगर नुकसान यहाँ गरीबों का हुआ है जिन्हें सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, आज वो बेघर हो गए। इसे हुकूमत से मैं भी अपील करूँगा और लिखूंगा भी साहब कि इनकी फौरन इमदाद की जाए और इन्वेस्टिगेशन किए जाए, इसको कैसे रोका जाए।